पूरे झारखंड में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेकर एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर होने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी की सड़कों पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे डेंगू मच्छरों को पनपने का मौका मिल रहा है। काटाटोली से जायजा लिया हमारे संवाददाता अंजनी कुमार ने। पूरे झारखंड में इन दिनों डेंगू का प्रकोप है और स्वास्थ्य विभाग हो, नगर निगम की तरफ से ये कहा जाता है कि आप अपने घर के अगल बगल जल जमाव को पूरी तरह से साफ करें, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ विपरीत है। यहाँ डंगरा टोली से लेकर कांटा टोली के बीच में सड़क के दोनों ओर ये निर्माण कार्य चल रहा है और जिसमें पाइप बिछाने का काम हो रहा है, तो कई तरह के कार्य चल रहे हैं और लगभग 3 महीनों से जो स्थिति है वो स्थिति आप देख सकते हैं। और इसकी वजह से इस इलाके में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। आप देखेंगे यहाँ जल जमाव की जो स्थिति है, इसकी वजह से इस पूरे इलाके में आप देखेंगे जिस तरह से लार्वा है, मच्छरों का जो लार्वा है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में रहने वाले लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि ये जल जमाव जो है लगभग पिछले 3 महीनों से भी अधिक हो गया है। एक डंगरा टोली से लेकर कांटा टोली चौक तक जो है इसकी स्थिति इसी तरह की है। और इससे भी महत्वपूर्ण एक बात और जुड़ी हुई है कि ये वो रास्ता है जहाँ से स्कूली बच्चे और आम आदमी आते जाते हैं और प्रतिदिन यहाँ हादसे होते हैं। और जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो जब इधर से जाते हैं तो एक तरफ गाड़ियों की अलग रफ्तार है और जैसे तैसे करके जो बच्चे हैं वो अपने घर की ओर जाते हैं। और डंगरा टोली से कांटा टोली के बीच में ऐसे मामलों को यदि हम देखें तो लगभग अब तक जो है 6 लोग घायल हो चुके हैं। तो ये एक ऐसा भंवर है, ये इस तरह से जो निर्माण कार्य में जो धीमी गति का जो निर्माण कार्य है उससे आम लोग परेशान हैं। तो ये आप देखेंगे जो वस्तु स्थिति है वो हम दिखाएंगे। देखिए धीरे धीरे यहाँ से आपको दूर तक, यहाँ से आप देख सकते हैं जो स्थिति है यहाँ दूर तक की जो स्थिति है। और इधर देखेंगे जो गाड़ियों की रफ्तार है, गाड़ियों का जो आना जाना है, तो पैदल चलने वाले जो राहगीर हैं उनके लिए परेशानी का सबब है। और इस तरह से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं इसकी वजह से इस रास्ते में जितनी भी दुकानें हैं उनका जो बिजनेस है वो भी ठप हो गया है। तो एक तरफ डेंगू से परेशानी है, दूसरी तरफ धीमी गति से कार्य हो रहे हैं उससे परेशानी है, और इसके इम्पैक्ट ये हो रहे हैं आम आदमी जो है वो परेशान हो रहा है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।